है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ अमेजिंग टिप्स, बहुत सारे वर्कआउट्स जो रखते हैं आपको फिट एंड फैबुलस। और आज का हमारा शो होने वाला है इम्यूनिटी बूस्ट पे। तो इम्यून सिस्टम होता क्या है, ये कैसे काम कर सकता है, आप किस तरह की डाइट ले सकते हैं, आप कैसे आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हेल्प करेगा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, ये सारी डिटेल्स देने वाले हैं हम अपने आज के शो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं वर्कआउट। आपको एक बात पता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग फार्मेसी है जो अपने आप वो सारे के सारे हॉर्मोन सिक्रीट करती है जो आपको उस टाइम ज़रूरत होता है। लेकिन उसके लिए, उस लिम्फैटिक फ्लो के लिए आपको ज़रूरत होती है मूवमेंट की। मतलब जब आप वर्कआउट करते हैं, जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलीज होती हैं, तो आपके ब्लड स्ट्रीम में वो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि सिर्फ मूवमेंट से अगर आपकी सारी बीमारियां भाग जाए तो कितना इजी है ना, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्कआउट की जरूरत है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वर्कआउट फॉर टुडे। नमस्ते, मैं दीपक राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट की। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोर वर्कआउट होता क्या है, इसे क्यों करना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि कोर वर्कआउट सिर्फ एब्स बनाने के लिए होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर मसल्स हमारी बॉडी का स्ट्रेंथनिंग फ्रेमवर्क है जो कि हमें कोई भी वर्कआउट एक्सरसाइज करने में सपोर्ट करता है और पोस्चर ठीक कराता है। कोर वर्कआउट करने से आपका बॉडी पोस्चर ठीक होता है, आपका बॉडी बैलेंस ठीक होता है और आपको ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग मिलती है। कोर वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी एक्सरसाइज करने आप किसी प्रोफेशनल की सुपरविजन में ही करें ताकि आपको कोई इंजरीज ना हो। वर्कआउट करने का एक बेसिक रूल होता है कि आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी बॉडी तैयार हो जाए वर्कआउट करने के लिए। आज मैं आपको 2 से 3 बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप किसी जिम इक्विपमेंट के बिना भी घर पर कर सकते हैं। तो पहली वार्म अप एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं ये है जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड डायनामिक स्ट्रेचेस। इसको हमें हर एक मूवमेंट को 5 से 6 बार करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो पहली वार्म अप एक्सरसाइज जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड डायनामिक स्ट्रेचेस में हम अपने सारे जॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा मोबिलाइज करेंगे ताकि उनमें स्टिफनेस खत्म हो जाए। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में, सिमिलरली हम अपने शोल्डर्स को फॉरवर्ड मूव करेंगे 5 बार एंड देन बैकवर्ड्स। इस तरीके से आपके शोल्डर्स में एंड अपर बॉडी में जो भी स्टिफनेस होगी वो हट जाएगी। नेक्स्ट हम अपनी बैक को स्ट्रेच करेंगे, अपने हाथों को पकड़ के आपको साइडवेज मूव करना है। नेक्स्ट हम अपनी बैक को फॉरवर्ड मूव करेंगे और कोशिश करेंगे हम हमारे हाथ जमीन पे टच हों। इसको करते हुए हम अपनी हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक को स्ट्रेच कर रहे हैं। नेक्स्ट हम अपनी लेग्स मूवमेंट को स्ट्रेच आउट करेंगे। डायरेक्शन उसके बाद अपनी नीज को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों 5-5 बार मूव करना है ताकि उसमें कोई स्टिफनेस हो तो वो भी हट जाए। सबसे आखिरी में अपने एंकल्स को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज हम करने वाले हैं जंपिंग जैक। इसके अंदर आपको अपने लेग्स को और आर्म्स को फॉर आउटवर्ड मूवमेंट करनी है कुछ इस तरह। तीसरी वार्म अप एक्सरसाइज हम करेंगे, इसके अंदर अपने पैर को थोड़ा सा अवॉइड करके आपको अपने हाथों से अपने टोज को टच करना है कुछ इस तरह।
आई होप आप सबकी बॉडी ये वार्म अप एक्सरसाइज करके खुल गई होगी और आप तैयार हो गए होंगे वर्कआउट करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने शो में और बात करते हैं कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट की। कोर वर्कआउट शुरू करने के लिए आपको चाहिए होगा एक जिम मैट। अगर आपके घर पे जिम मैट नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज किसी कार्पेट एरिया पे भी कर सकते हैं। हम इस एक्सरसाइज में 3 से 4 सेट करेंगे हर एक एक्सरसाइज के और उसमें कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन होंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज हम जो करने वाले हैं वो बेसिक क्रंच। आइए आपको दिखाते हैं कि इस एक्सरसाइज को हम कैसे करेंगे। बेसिक क्रंच जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं सबसे पॉपुलर कोर वर्कआउट है। इसके अंदर आपको मैट पे लेटकर अपनी टांगों को थोड़ा फोल्ड करना है जिस तरह से मैंने किया हुआ है और अपने हाथों को नेक के पीछे रख के आपको अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। कोर वर्कआउट करते हुए आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। जब भी आप अपनी कोर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एक्टिवेट कर रहे हैं तो आपको ब्रीद आउट करना है। इस तरीके से करने से आपकी कोर मसल्स पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। इसमें हमने 15 से 20 रेपिटेशंस करने हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। हो सकता है इनिशियली आपको करते हुए इतना बॉडी आपका मूव नहीं हो, बट आपको ध्यान रखना है आपका पूरा कंसंट्रेशन आपकी कोर मसल के ऊपर आए क्योंकि हम उसकी स्ट्रेंथनिंग की काम कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी कोर मसल स्ट्रांग होती जाएगी आप इसको अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे जो कि है सीजर किक्स। इसमें भी आपको मैट पे बैठना है और अपने अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठा के आपको अपनी टांगों को अप एंड डाउन पोजिशन में मूव करना जैसे सीजर की तरह। ध्यान रखिएगा कि आपके इसके अंदर लेग्स आउटवर्ड्स पोजिशन में हो। ये एक्सरसाइज बेसिकली आपके लोअर एब्डोमेन पे काम करती है तो आपको फील होगा कि आपके पेट में नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है, तो ये उन वाली कोर मसल्स पे काम करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे जो कि है रशियन ट्विस्ट। इसके लिए आपको कोई डंबल चाहिए होगा। अगर आपके पास घर पे कोई डंबल नहीं है तो आप कोई पानी की भरी हुई बॉटल भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि नाम आपने सुना रशियन ट्विस्ट, इसके अंदर आपको अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है। तो हम डंबल को अपने हाथों में दूर पकड़ के हम इसको साइडवेज मूव करेंगे, पर कोशिश कीजिएगा कि आपकी बॉडी ज्यादा मूव ना हो। जितना आप अपनी बॉडी को कंट्रोल रखेंगे उतना अच्छा आपका कोर मसल्स पे इसका इफेक्ट आएगा और ये बेसिकली आपकी बॉडी के साइडवेज मसल पे काम करती है। जो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि है इन एंड आउट। इसके अंदर आप मैट पे सीधा लेट जाएंगे और अपनी टांगों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। अब आपको अपनी टांगों को अपनी बॉडी पे टच करना है पेट पे और बाहर की तरफ मूव करना है। इन आउट इन आउट। एंड ध्यान रख रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि कोर वर्कआउट करते हुए आपकी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके अंदर जब भी आप अपनी टांगों को अपने पास लेकर आएंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्रीद आउट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी पांचवी एक्सरसाइज पे जो कि है हील टच। इसके अंदर भी हम मैट पे लेट के आराम से अपनी टांगों को फोल्ड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी हील्स को टच कर पाए। अब ध्यान रखना है इसके अंदर कि हमारी बॉडी जितना सीधा स्ट्रेट रह सके और ज्यादा झूले नहीं। जब ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि आपका कंसेंट्रेशन आपके फैट साइडवेज स्टमक पे आ रहा है और आपका साइडवेज फैट के ऊपर बेसिकली ये वर्क करती है। तो जैसे कि हमने कोर वर्कआउट के अंदर 5 एक्सरसाइज को हमने किया है, हमने स्टार्ट किया बेसिक क्रंचेस से, उसके बाद हमने किया रशियन ट्विस्ट किया, हमने हील टच किया, इन एंड आउट किया, सीजर किक्स किया। ये सारी एक्सरसाइज आप देखेंगे हमने अपने कोर वर्कआउट पे अपने स्टमक के
अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और साइड्स पे पूरा वर्क किया है। अगर आप ये एक्सरसाइज घर पर या जिम में रेगुलरली करेंगे तो आपको अपने बेली फैट कम होता हुआ दिखेगा और आपका स्ट्रेंथनिंग आपके कोर की बढ़ती जाएगी, जिससे आपको बहुत फायदा होगा सारी बाकी एक्सरसाइज करने में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, हमने कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट की 5 एक्सरसाइज परफॉर्म करी आज, जिसके अंदर हमने लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन और साइड्स को कवर किया है। आशा करता हूं कि एक्सरसाइज आप घर पर या अपने जिम में परफॉर्म करेंगे और अपने बेली फैट को कम होता हुआ देखेंगे, और साथ के साथ आपका जो कोर स्ट्रेंथनिंग होगा उससे आपको सारी बेसिक एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वर्कआउट? अमेजिंग था ना? बट आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर बिगनर हैं तो एकदम से बहुत हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट डे वन पे नहीं करेंगे। आप अपना लेवल ऑफ कंफर्ट बना कर रखेंगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए उस लेवल पे जाएंगे जिस लेवल पे आप अगेन यू फीलिंग कंफर्टेबल, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, चाहे वो नॉर्मल बॉडी वेट मूवमेंट्स हो, आपका लेवल ऑफ कंफर्ट होना चाहिए उन सभी मूवमेंट्स को करने में। तो इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी सेकंड सेगमेंट में, जो होने वाली है योग। आपको पता है योग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर बीमारी के लिए कुछ ना कुछ अमेजिंग आसन है जो हेल्प कर सकते हैं आपको इंटरनली हील करने में। तो इमेजिन कीजिए, अगर आप दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगा के 4 से 5 आसन कुछ ऐसे कर पाएं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर पाएं, तो कितना ईजी है ना। आप इनको घर बैठे हुए अपने लेवल ऑफ कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी आसन और कोई भी वर्कआउट भर पेट नहीं करेंगे, मतलब खाने के तुरंत बाद नहीं करेंगे। आपकी खाने के और आपके वर्कआउट के बीच में गुड 2 to 3 hours का गैप होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर योग सेगमेंट टुडे, जहां पर हम सीखने वाले हैं बहुत ही ईजी टू डू योग आसन जो हेल्प करेंगे आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नगमा खान, फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं योगा फॉर इम्यूनिटी। तो आइए मैं आपको बताऊंगी इम्यूनिटी के कुछ आसन। पहला है प्राणायाम, जो हमें करना है ऐसे 3 fingers को खोलना है और 1st को इंटरलॉक करना है। इनहेल और एक्सहेल करना है, इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, हमारा माइंड को भी रिलैक्स मिलता है। 5 times करना है 30-30 seconds तक। ये हमारे ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है, हमारे माइंड को भी रिलैक्स करता है, हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस को भी ये दूर रखता है, जिससे हमारी बॉडी बहुत फ्री रहती है और माइंड बहुत फ्रेश रहता है। तो अब हम करते हैं दूसरा आसन, जिसे कहते हैं तडासना माउंटेन पोज। हमें दोनों पैरों को ऐसे खोल कर स्ट्रेट खड़ा होना है और दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर इंटरलॉक करना है और बॉडी को हमें स्ट्रेच करना है ऐसे। स्लो फिर डाउन होना है, फिर दोबारा से हमें बॉडी को स्ट्रेच करना है ऊपर की साइड से। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, हाइट भी इंक्रीज होती है, ब्लड भी सर्कुलेट होता है। अब हम करते हैं तीसरा आसना, जिसे कहते हैं सेतु भदासना, जिसे कहते हैं ब्रिज पोज। आइए देखते हैं वो कैसे। पैरों को ऐसे होल्ड रखना है, दोनों हाथों को ऐसे पीछे लेकर जाना है, आपको सर को लेट डाउन करना है ऐसे ऐसे ऐसे, और लेग्स एंकल को पकड़ना है, हिप्स को लिफ्ट अप करना है। फिर रिलैक्स करना है 30 seconds तक, इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, इम्प्रूव डाइजेशन भी होता है। फिर स्लो मूव करना है, ये थे योगा फॉर इम्यूनिटी के कुछ आसन जो हमारी बॉडी को फिट रखता है, हेल्दी रखता है, जिससे हमारी लेजीनेस को दूर करता है, जिससे हमारी लेजीनेस दूर होती है, हमें फिट रखता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को भी इंक्रीज करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है। ये था फिट इंडिया हेल्दी इंडिया, और ये आसन आपको एक्सपर्ट के सुपरविजन में करना है। थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का योग सेगमेंट? इनफैक्ट ये सारे आसन तो आप अपने फोन में लिख लीजिए और इनफैक्ट अपने ब्रेन में फीड कर लीजिए, रेगुलरली डेली आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड देन सी द डिफरेंस इन योर एनर्जी लेवल्स, और इनफैक्ट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंप्रूव हो जाती है जब आपके एनर्जी लेवल्स बेटर हो जाते हैं। तो इसके साथ हम चलते हैं अपनी डाइट एंड न्यूट्रिशन की सेगमेंट में, जहां मैं आपको देने वाली हूं बहुत इजी टू फॉलो टिप्स टू इंप्रूव योर इम्यूनिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं उस डाइट की जो हेल्प करेगी आपको आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। इसको हम बोलते हैं रेनबो डाइट। रेनबो डाइट का मतलब कि वो रेनबो में जितने भी कलर्स हैं वो सारे के सारे कलर्स आपकी डाइट में आने चाहिए, जैसे कि ब्लूबेरीज, रसबेरीज, स्पिनच, कैरेट्स, टमाटोज, ये सारे के सारे जितने भी कलरफुल फूड्स हैं ना ये आपकी प्लेट में होने चाहिए, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट और ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एंड दे ऑल हैव टू बी कंज्यूम्ड रॉ, जस्ट स्लाइटली सॉल्टेड। आप इसको घी या तेल में तल तल कर या पका पका कर नहीं खाएंगे, आइडियली बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ घी में आप सॉटे कर सकते हैं अगर आपको इसका रॉ टेस्ट पसंद नहीं आता। बट मेक श्योर कि दिन में आपका एक मील तो रॉ होना ही चाहिए, जिसमें आप इन वेजिटेबल्स को, इन फ्रूट्स को कट करके रॉ खाएंगे, और उसके साथ साथ इसके एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए आप डायरेक्ट वाइटामिन सी ऐड करेंगे। और आपको पता है सबसे अमेजिंग वाइटामिन सी का सोर्स क्या है? लेमन। अगर आप इसमें लेमन और ऑरेंजेस को डाल देंगे तो ये सिट्रस फूड्स आर रिच इन विटामिन सी और ये भी आपकी इम्यूनिटी को बहुत हेल्प करता है। अलोंग विद दिस यू हैव टू रिमेंबर कि आपकी डाइट में जितना भी जंक फूड है, इनफैक्ट वो सभी का सभी फूड आइटम्स जो पैक्ड मिलते हैं, मतलब जो भी आइटम्स शेल्फ पे दिखते हैं ना आपको, उसको आपकी डाइट से आपको रिमूव करना है। दे आर हाई इन प्रिजर्वेटिव्स, नो मैटर उन कॉम्पोनेंट्स पे क्या लिखा हुआ है, उनके इन्ग्रीडियंट्स पे क्या लिखा हुआ है। कोई भी फूड आर्टिकल जो किसी भी शेल्फ पे पड़ा है उसकी शेल्फ लाइफ नहीं मेंटेन हो सकती है जब तक उसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड हुआ हो। तो अगर आप रोस्टेड सीड्स या रोस्टेड मूंगफली भी ले रहे हैं मार्केट से, तो आई विल एडवाइज दैट इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको अपने घर में रोस्ट करके खुद अपना नमकीन बनाएं, वो आपको हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट से किसी भी तरह का रोस्टेड पैकेट उठाएंगे तो आप अगर उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे तो यू कैन क्लियरली सी उसमें किसी ना किसी तरह का ऑयल, पाम ऑयल या ऐसे ही किसी थर्ड ग्रेड ऑयल का यूज हुआ होगा, और उसमें कोई ना कोई एमल्सीफायर या कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव जरूर ऐड होंगे। सो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कुछ फूड आर्टिकल्स हम अपनी डाइट में हेल्दी समझ के ऐड कर लेते हैं जबकि वो हेल्दी नहीं होते। तो मेक श्योर कि इम्यूनिटी बूस्ट के लिए आप होम कुक्ड मील्स खाएं जो फ्रेश है। इनफैक्ट हैव यू हर्ड दिस रीसेंट लाइन कि आजकल हर कोई ऑनलाइन ऐप से फूड ऑर्डर करके खा सकता है, तो लग्जरी इस बात में है कि आपके घर की किचन में फ्रेश ऑर्गेनिक फूड मिले जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो और आप उसको रेडी खाएं, मतलब आप एक ताजे खाने को अपनी किचन में खुद बनाएं और खुद खाएं। दिस इज रियल लग्जरी जो आजकल बहुत लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो मेक श्योर ये लग्जरी आपको जरूर मिले। डोंट थिंक दैट यू आर ईटिंग आउट इन फैंसी रेस्टोरेंट्स और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो एक्चुअली आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपने घर की सादी दाल रोटी ही आपको इम्यूनिटी में बूस्ट देगी। आपके घर की दाल रोटी, आपके घर की किचन में बना हुआ सादा खाना आपकी डाइट, आपकी न्यूट्रिशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, रेदर देन ईटिंग आउट एट द फैंसी प्लेसेस। तो मेक श्योर आप इन्वेस्ट करें इन बाइंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और आपने रेफ्रिजरेटर को, बिकॉज इट्स समर्स, भर के रखिए इन सभी के सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इमेजिन अगर आप मॉर्निंग में एक बाउल ऑफ वाटरमेलन खा रहे हैं, आपका सिस्टम हाइड्रेटेड भी रहेगा, यू विल गेट ऑल द रिक्वायर्ड विटामिंस एंड मिनरल्स टू रन द होल डे आउट। इमेजिन दैट इज द रियल पावर। तो स्टार्ट करें ये छोटे छोटे चेंजेस से अपनी लाइफस्टाइल में, और जब आपको इन चेंजेस से आपके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज दिखेगा ना, यू विल मेक मोर एफर्ट बिकॉज यू विल बी मोर मोटिवेटेड।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये सेगमेंट? इनफैक्ट अभी गर्मी आने वाली है तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो इमेजिन अगर आप सिर्फ अपने वर्कआउट से और अपनी डाइट से, इनफैक्ट अपनी जीवन शैली, मतलब आपका जो लाइफस्टाइल है, सिर्फ इसको फॉलो करते हुए बीमारियों को अपनी जिंदगी से दूर रख सके तो कितना अमेजिंग है ना। यही सब हम सिखाते हैं आपको हमारे शो में जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। कीप वॉचिंग एंड स्टे रॉकिंग।